जादूगर कहने वाले अशोक गहलोत आज एक बड़ा बयान देते हैं और ये कह देते हैं कि मेरा इस्तीफा 1998 से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे राजस्थान की गरमाई सियासत पर कुछ खास जानकारियां साझा करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए गुरुवार को पहुंचते हैं और इस मुलाकात के बाद कहते हैं, मेरे पर जो भी फैसला लेना है वो पार्टी हाईकमान लेगा। सचिन पायलट के इस बयान के बाद कई तरह के सियासी समीकरण राजस्थान में बदलने के संकेत मिलते हैं और राजस्थान के कांग्रेसी खेमे से जिस तरह सत्ता परिवर्तन की खबर आ रही है उससे साफ मालूम पड़ रहा है कि कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें, जेपी नड्डा के बाद अमित शाह के राजस्थान दौरे से कांग्रेस बौखला गई है। जेपी नड्डा के बाद अमित शाह अगले महीने राजस्थान करीब 2 से 3 बार पहुंचेंगे और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वहां की जनता को जीतने की कोशिश करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले यहां कांग्रेस में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं। सचिन पायलट की मुलाकात के बाद अशोक गहलोत के इस्तीफे को लेकर दिए गए बयान के क्या सियासी मायने हैं, ये जानकारी हम आपको अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए देने जा रहे हैं। जितने भी सवाल आपके जहन में अशोक गहलोत के इस्तीफे और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बन जाने को लेकर आए हैं, आपके उन सवालों का जवाब हमारी रिपोर्ट देगी। सुनिए जरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की खबर ने सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। अशोक गहलोत को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा एक अनुभवी और कुशल प्रशासक होने का दावा करती है। खुद अशोक गहलोत अपने आप को राजनीति का जादूगर कहते हैं। अशोक गहलोत के भाषणों में अमूमन ये भी सुनने को मिलता है, जाति विशेष के कारण नहीं वो 36 कौमों के प्यार से मुख्यमंत्री बने हैं, वो कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। गहलोत ये कई बार दोहरा चुके हैं, मेरी जाति का सिर्फ एक ही MLA है और वो भी मैं खुद हूँ। लेकिन शनिवार को अशोक गहलोत के मुंह से एक ऐसा बयान सुनने को मिला जिसने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया। अशोक गहलोत ने कहा, मेरा इस्तीफा तो 1998 से सोनिया गांधी के पास परमानेंट रखा है, मैंने उन्हें फैसला लेने के लिए अधिकृत कर रखा है, जब निर्णय होगा तो लोगों को कानों कान खबर नहीं होगी। अशोक गहलोत के इस बयान के पास राजनीतिक हलकों में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गहलोत खुद अपने इस्तीफे की बात क्यों कर रहे हैं, क्या राजस्थान में कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस अब आगामी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव का लक्ष्य भेदने की तैयारी में जुटी है। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के घर पर मंथन का दौर जारी है। चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद राजस्थान की सियासत में भी फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि राजस्थान में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बदल देगी। ऐसी चर्चाओं के बीच में अशोक गहलोत के भाषण से साफ मालूम पड़ता है कि इस तरह की चर्चे पार्टी के भीतर हो रहे हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से दावा ये भी किया जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है। दरअसल प्रदेश में अभी से चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा और गृह मंत्री अमित शाह के अगले महीने प्रस्तावित रैली, कांग्रेस पार्टी इन सबके मुकाबले आगे रहना चाहती है। राजस्थान में पार्टी आलाकमान समय रहते हस्तक्षेप करने के मानस में है। ये भी माना जा रहा है कि अगर परिवर्तन का कोई फैसला लेना है तो उसे बहुत जल्द लिया जाएगा ताकि नेताओं को बेहतर प्रदर्शन करने का समय मिल सके और अंतिम समय में पंजाब जैसी कोई समस्या ना हो। अशोक गहलोत के इस बयान से ये बात साफ हो जाती है कि अगर कांग्रेस इस तरह का कोई परिवर्तन करती है तो भी वो साथ पार्टी का देंगे, पार्टी के प्रति किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं दिखाएंगे।